जय भीम, नवोदय, जय भारत। साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और ये अप्रैल का महीना वास्तव में हम सब के लिए बड़ा गौरवपूर्ण महीना है, क्योंकि 5 अप्रैल के दिन बहुजन समाज के एक और बहुत बड़े नेता बाबू जगजीवन राम जी का जयंती था। 11 अप्रैल को इतने बड़े महानायक, पिछली सदी के महानायक ज्योतिबाला फुले जी का बर्थडे था। और 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बर्थडे है। तो सबसे पहले आप सबको मैं उन सब की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और एक निवेदन करता हूं। क्योंकि कोरोना इस अप्रैल के महीने में तीसरी स्पाइक बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो एक तरफ हमने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने लोगों को भी कोरोना से सुरक्षित करना है, और दूसरी तरफ जो हमारे महानायक हैं, जिन लोगों की वजह से हमारे 4000 साल की गुलामी टूटी, जिन लोगों की वजह से हमें हमारे हक और अधिकार मिले, जिन लोगों की कुर्बानी की वजह से हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, जज, IAS, IPS बन पाए, जिनकी कुर्बानी की वजह से हम लोग MP, MLA और मंत्री बन पाए, जिनकी वजह से हम लोग आज दुनिया में कम्पीट कर पा रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी कुर्बानी को ये सैल्यूट करने का समय है। तो कोरोना अपनी जगह है और उनकी जयंती अपनी जगह है, हम जयंती जरूर मनाएं। 14 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे कम से कम 14 दीपक या 14 मोमबत्ती हम लोग जलाएं और पूरे परिवार के साथ सादगीपूर्ण तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती हम लोग मनाएं। मैं खुद अपने यहाँ बंगले पर ज्योतिबा फूले जी की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से कल सुबह 11 बजे मना रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इस बार भीड़ को नहीं बुलाया है, पब्लिक को नहीं बुलाया, केवल चंद साथियों के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जो कोविड नॉर्म्स हैं उनका पालन करते हुए मना रहे हैं। तो हो सकता है उस पर फेसबुक लाइव करेंगे, आप लोग उससे जुड़िएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किसानों के लिए कई अभूतपूर्व काम किए, देश की महिलाओं के लिए कई अभूतपूर्व काम किए, देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एक रिजर्व बैंक कैसे बने और कैसे भारत के रुपए के अवमूल्यन को रोका जाए उस पर बहुत बड़ा रिसर्च किया, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव लेकर आए, मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लेकर आए, काम के घंटे निर्धारित किए, उनका पेमेंट हर महीने सैलरी टाइम से मिले वो निर्धारित किया, उनको छुट्टियां मिले वो निर्धारित किया, महिलाओं को उनके तमाम अधिकार जो एक पुरुष को होते हैं, जैसे पिता पति की संपत्ति में अधिकार, पति के मरने के बाद दूसरी शादी करने का अधिकार, पति अगर जालिम व क्रूर है तो तलाक का अधिकार, पति अगर छोड़ देता है तो गुजारा भत्ता का अधिकार, अगर बच्चे पैदा नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का अधिकार, तो इस तरह के तमाम अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के संघर्ष से महिलाओं को दिलाए। और इसके साथ साथ अगर हम देखें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो कुर्बानी है वो हमें बार बार याद दिलाती है कि हम किस स्थिति में थे और क्या हैं। लेकिन आज कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए इस मौके पर। लोग भारत में जो शूद्र या अनटचेबल्स है उसकी संख्या लगभग 88% है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे हक अधिकार कौन छीन रहा है, उसके छीनने में मदद कौन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे 88% में से लगभग 70% लोग वो उसी वर्ग के साथ खड़े हो जाते हैं जो वर्ग हमारा शोषण करता है, जो वर्ग हमारे हक अधिकार छीनता है। तो मैं समझता हूँ कि आज जागरूक होने का समय है, सब लोग चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सबको समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, जिम्मेदारी सरकारों की है, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए, सबको अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, सबको आगे बढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। तो ये मैं समझता हूँ बाबा साहेब की जयंती पर सबसे बड़ा उनके प्रति कोई श्रद्धांजलि होगी, उनके प्रति सच्चा नमन, या उनकी सही मायने में अगर सच्ची जो जयंती हम तभी कहेंगे जब हम सब लोग खुले मन से सबको साथ लेकर जाति तोड़ो समाज जोड़ो के संकल्प के साथ आपस में भाईचारा बढ़ाते हुए, समता मैत्री भाईचारे का व्यवहार करते हुए
न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए सब लोग एकजुट होकर काम करें तो हम सब लोग मजबूती से भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बना पाएंगे, जिसमें जैसे पहले बुद्ध के समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, वैसे पुनः भारत सोने की चिड़िया कहला सकता है। भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने की ज़रूरत है, इसलिए हमने जो लक्ष्य रखा था भारत में 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाने का आने वाले 5 साल के अंदर, उस पर काम बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया है। आप सब लोग आइए, साथ मिलिए, कंधे से कंधे मिलाकर काम कीजिए, हम प्रबुद्ध भारत का निर्माण करेंगे। सबको समान अवसर, सब में समता, मैत्री, भाईचारे का संदेश देते हुए एक भाईचारा, एक न्यायपूर्ण, एक सादगी वाला वातावरण हम लोग मिलकर बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग निश्चित तौर पर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। लड़ाई मुझे लगता है कि दो चीज के बीच है, एक जीवी समाज है जो अपनी आजीविका मेहनत करके कमाता है, और दूसरा जो है वो परजीवी है जो मेहनत का समाज की कमाई को लूट के खाता है। हमें इस लड़ाई को व्यापक दायरे में समझना पड़ेगा। जो मेहनत का है, मजदूर है, किसान है, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित लगातार हो रहा है, और सरकारें लगातार जिस तरह की स्कीम बना रही हैं, उन्होंने पिछले 30-40 सालों में अगर ढंग से उसको स्टडी किया जाए तो उन्होंने गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से शिक्षा को छीन लिया है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि आम आदमी की बस की नहीं है आज अपने बच्चे को पढ़ाना, और साथ ही साथ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं और जिस तरह की बीमारी आ रही है उसका इलाज कराना सच्ची वस्ती बात नहीं है। और ऊपर से जो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लगभग 4000 साल की गुलामी को तोड़कर हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोले, हमारे नौकरियों के रास्ते खोले, वो पिछली सरकारों ने हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते को इनडायरेक्ट तरीके से बंद कर दिया और फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से बंद करके आउटसोर्स कर दिया। जब पहले हमारे लोगों के बारे में बोलते थे कि ये क्वालिफाइड नहीं है, जब क्वालिफाइड मिलने लगे तो ये बोलने लगे एफिशिएंट नहीं है, और जब हमारे लोग टॉप करने लगे सिविल सर्विसेज में, 4-5 साल के अंदर 2 एससी कैटेगरी के बच्चों ने टॉप किया, 1 ओबीसी के बच्चे ने टॉप किया पिछले 5 साल के अंदर, जब हम टॉप करने लगे तो लेटरल एंट्री ले आए, यहाँ जहाँ कोई एग्जाम ही नहीं होगा सीधी भर्ती होगी, सीधा डायरेक्ट आईएएस बनेगा, जॉइंट सेक्रेटरी लगेगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल स्टडी करें तो हमारा हर तरीके से नुकसान इस देश के मेहनत का समाज का है। ये तीनों बिल उसी सीरीज में एक कदम और आगे बढ़ाया गया है कि अब किसानी को भी छीन लेना है, मजदूरों के मुंह से निवाले को छीन लेना है, और देश के सारे संसाधन, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हजारों करोड़ हर साल कमा के दिया करती थी, वो सारी कंपनियां भारत की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको बेचने का सिलसिला जारी है। और भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी पहली पार्टी है जिसने डिस इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री पहली बार बनाई थी, वो भी आपके सामने है। तो आज अगर हम लोग ये सोचें कि ये लड़ाई केवल किसान की है तो हम उस पर लड़ाई को छोटा कर देते हैं। ये लड़ाई इस देश के मूल निवासियों की है, ये लड़ाई इस देश के मेहनत का समाज की है, ये लड़ाई इस देश के किसानों की है, ये लड़ाई इस देश के न्याय पसंद लोगों की है, जो लोग समता, मैत्री, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, ये उनकी लड़ाई है। ये लड़ाई समतावादी और विषमतावादी लोगों के बीच की है। मुझे लगता है समतावादी लोगों को मजबूती से एकजुट होना पड़ेगा और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए बिना अब रुकने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज्यादा बात ना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।